हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक एमएस वर्ड का है और एमएस वर्ड में हमारे एक स्टूडेंट हैं जो पासी के गांव में रहते हैं, पढ़ने आते थे जब कोरोना नहीं था तब। और उनका भी यही कहना है कि सर एक वीडियो बनाइए जिससे हम इतना काम कर सके एमएस वर्ड में कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई देख तो सके पर उसे उसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए। इस तरह का हम क्या कर सकते हैं? तो आराम से कर सकते हैं। वैसे तो कोरोना नहीं था तो सारे बच्चे आते थे, पढ़ते थे इंस्टीट्यूट पे, लेकिन कोरोना आने के बाद से पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, सेलेक्टेड पोर्शन आप देख सकते हैं, इसी को हमें क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे चलना है और यहाँ दिया हुआ है लिमिट फॉर्मेटिंग सेलेक्शन स्टाइल और इन सब पे टिक रख करके, और यहाँ दिया हुआ है एक्सेप्शन, ऑप्शनल दिया हुआ है, इसको पढ़िए आप। सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर्स हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम। तो इसको आपको अनटिक रखना है, इस पर टिक कर देंगे तो एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर यस एनफोर्स इस पर टिक करके और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। और पासवर्ड डालने के बाद उसी को रिपीट भी कर दीजिए यहाँ पर, और रिपीट करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ इस तरीके से। और जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो अब इसको सेव करने की बारी, तो यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। तो ये सेव भी कर दिया हमने, अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। और ये हमने सेव किया वर्ड के नाम से। यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको वर्ड दिखाई भी पड़ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल सेव हुई है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब हम एडिटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एडिटिंग हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ एडिटिंग के लिए तो यहाँ पर भी ये एडिट नहीं हो रहा है। कहीं भी आप करके देखें, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये जो पोर्शन है इसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए इसको बंद करके फिर चालू करता हूँ और फिर भी हम कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक किया, कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, हम एडिटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है। जब आप इस पासवर्ड को डालेंगे तब जाके आप एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं, स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाइए और यहाँ पर वो पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। ये पासवर्ड डाला हमने और यहां से अब ये प्रोटेक्शन हट जाएगी। अब यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस ऑप्शनल, तो लिखा हुआ है सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे फ्रीली एडिट कर सकता है? तो यहाँ पर यूजर का नेम वगैरह दे सकते हैं जो आपने फॉर्मेटिंग के वक्त डाला होगा अपने सिस्टम में, तो उस तरीके से वो व्यक्ति ही उसे एडिट कर पाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इसे करना कैसे है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से प्रोटेक्शन को हटाते हैं आप, अब देखिए यहाँ पे तो प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो जब तक प्रोटेक्शन लगी रहेगी तब तक आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्शन हटा दिया मैंने तो अब देखिए अब फ्रीली आप एडिट कर पा रहे हैं। अब प्रोटेक्शन फिर लगा देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे आप। कैसे? यहाँ पे देखिए फिर लगा के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड डाल दिया हमने। फिर इसी पासवर्ड को मैं रिपीट भी कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया। और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर आप जाते हैं, पहले इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, यहाँ से जा करके ये सेव कर दिया हमने। और अब यहाँ पे जाते हैं तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट कब करेंगे? जब यहाँ से फिर इसको आप स्टॉप कर देंगे प्रोटेक्शन को, तो आप एडिट भी कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरह से पासवर्ड लगाना है और हटाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।